दोस्तों दूसरी पार्टी जो है वो भारी जा रही है और इस पार्टी के कबूतर उन्होंने काफी पकड़े हैं। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट में ये बताइएगा कि आपको ये कंपटीशन कैसा लगा। दोस्तों ये पंजाब का एक विलेज है, साउथ पंजाब पाकिस्तान, तो ये पंजाब का इलाका है और यहाँ पर कबूतरबाजी के मुकाबले जो है वो अक्सर होते रहते हैं। कबूतर पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन कबूतर इन्होंने पकड़ा नहीं है, मेरे ख्याल में चला गया, बैठा बैठा है। ये देखें फिर से उन्होंने ट्राई की और पकड़ लिया है कबूतर। इस पार्टी का कबूतर मेरे ख्याल में उधर भी है, ये देखें, ये पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन चला गया, फिर से बैठ गया है कबूतर और ये दोबारा ट्राई करेगा। मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ आपको, नहीं जरा जूम करता हूँ, ये देखें पकड़ लिया, बल्कि नाकाम हुआ है और कबूतर जो है वो इस तरफ आ। ये देखें ये वाला कबूतर था जो इन्होंने पकड़ा है। इसका कबूतर पकड़ा गया है इसलिए ये जरा नाराज हो रहा है। दोस्तों इनके हाथ में बाल्टी होती है और उसमें दाना होता है और ये उसे हिलाते रहते हैं कबूतरों को बुलाने के लिए। ये देखें इन्होंने एक और कबूतर पकड़ा है, मैं जरा थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें तेरी पकड़ी रे कला दिया पकड़ी।
और कबूतर दोस्तों ये पकड़ा गया है और तीसरा भी पकड़ा गया है दूसरा दोस्तों बैठा है यहाँ पे कबूतर और ये उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, दाना वगैरह डाल रहे हैं। दोस्तों ये पंजाब का विलेज है, बहुत ही खूबसूरत विलेज और साथ यहाँ पे घर वगैरह भी हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो भी इस कंपटीशन को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। दो कबूतर दोस्तों इन्होंने पकड़े हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें Thank you.
दोस्तों एक ही जाली में दो कबूतर इन्होंने पकड़े हैं, ये देखिए। सूरज गुरूब होने का कोई खूबसूरत मंजर। दोस्तों गंदम की काश यहाँ पे तकरीबन मुकम्मल हो गई है और लोगों ने गंदम जो है वो काश्त अर्ली अर्ली जो है वो कर ली है। बहुत खूबसूरत मंजर पंजाब का।
दोस्तों इनके कबूतरों की जो खुराक है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। भाल उदवान कर अपना उड़वाइया सिलवारू ही नहीं पता पर सुख दा वदी पान ते भंगी आलो नाल छाण दा मार दरेसी की छाण मार नहीं ना ना मैं जा के दरेसी चाचा जरा इमे अगो हटे हेलो चाचा जरा इमे साइड ते जरा थे Thank you.
दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा इस कंपटीशन का जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको बताऊंगा इनसे पूछ के कि किस पार्टी ने कितने कबूतर पकड़े हैं। तो मेरी कोशिश तो यही है, मैं इनसे पूछूं कि इन्होंने कितने कबूतर पकड़े हैं, और उस पार्टी से भी पता करेंगे कि उन्होंने इस पार्टी के कितने कबूतर पकड़े हैं। तो आप मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज बड़ा दिलचस्प ये कंपटीशन रहा है इनका। सारी कितनी पकड़े हुए कबूतर? उन्हें कितनी पकड़े? बराबर है दोस्तों, इन्होंने तकरीबन 25 के लगभग उस पार्टी के पकड़े हैं कबूतर, और ये कह रहे हैं कि उस पार्टी ने भी उनके तकरीबन इतने ही कबूतर पकड़े हैं। मेरे ख्याल में एक जो कंपटीशन है दोस्तों आज का, ये बराबर होने वाला है। बहरहाल जो एंड का जो रिजल्ट है वो तो बाद में पता चलेगा, और इनका जो कंपटीशन है वो तकरीबन मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट रह गया है। बस 5-6 मिनट में शायद एक दो कबूतर का जो है फ़र्क रहेगा, बाकी इतना खास ज़्यादा ये फ़र्क नहीं रहा है। तो आज का ये कंपटीशन जो है दोस्तों
فی الحال یہیں پہ ہی اینڈ کرتے ہیں کیونکہ سورج بھی غروب ہونے والا ہے اور ویڈیو کا جو ہے وہ رزلٹ صحیح نہیں رہے گا اگر ہم کنٹینیو رکھتے ہیں اس ویڈیو کو, تو جو ویڈیو کا جو رزلٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا لائٹ کی وجہ سے. تو آج کا جو کمپٹیشن دوستو وہ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. رزلٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 25 کبوتر جو ہیں اس پارٹی نے دوسری پارٹی کے پکڑے ہیں, اور یہ بتا رہا تھا کہ دوسری پارٹی نے بھی تقریباً ان کے اتنے ہی پکڑے ہوں گے.